नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है करंट फीलिंग। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, वो क्या सोच रहे हैं द प्रेजेंट मोमेंट पे, मतलब इसी टाइम में वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, क्या थॉट्स रख रहे हैं, तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो पर्सन है जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हैं। सो हमारे पास 3 ब्यूटीफुल कलर्स की कैंडल्स हैं। आप चाहें तो इन कलर्स की कैंडल पे मेडिटेट करिए और इनमें से जो भी कलर आपको अपनी तरफ खींचे उन्हें चुनिएगा। फर्स्ट जो कलर है पिंक कलर। पिंक इज़ अ कलर ऑफ हायर चक्रास, ये मींस द 10th चक्र का कलर है। द 10th चक्र, गैलेक्टिक चक्र का जो कलर है वो है पिंक। दूसरे हमारे पास है द पर्पल कैंडल, ये कलर है क्राउन चक्र का। तीसरा हमारे पास है ऑरेंज कैंडल, ये चक्र है सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्र का। सो आप इन तीनों कैंडल्स पे 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं। आपको जो भी कलर अट्रैक्ट करे या जो भी चक्र आपको अट्रैक्ट करे आप उसे चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहले वाले ऑप्शन को चुना है पिंक कैंडल, यानी कि कलर ऑफ 10th चक्र, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है इन द प्रेजेंट मोमेंट। पहला जो कार्ड आया है वो है नॉट द राइट टाइम। इस पर्सन को लगता है कि ये जो टाइम है ये बिल्कुल भी सही नहीं है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपके साथ आगे आके बात करने के लिए। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है आपके पास आए और आपसे बात करें। दूसरा जो कार्ड है आई वुड नॉट क्राई फॉर यू, यानी कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे जो दिख रहा है ब्लडी टीयर्स, यानी कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अपनी गलतियों पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रोते हैं आपको याद करके, आपके जो पुराने मैसेजेस हैं उन्हें पढ़ते हैं या फिर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आप फेसबुक पे क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे वो नज़र रखते हैं। और इस टाइम पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा सोरोफुल सिचुएशन में है। हो सकता है पास्ट में इनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो जिसका इन्हें रिग्रेट है, तो ये बहुत ज़्यादा सोरो में है। दूसरा जो कार्ड यहाँ पे मेरे पास आया है, ये जो पर्सन है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, टू ऑफ स्पेयर्स। तो ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर जो पर्सन दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक सिंबल है, ये जो सिंबल है मरखाबा का, तो ये सिंबल बताता है कि ये जो पर्सन है इनके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी चल रही है। दूसरा ये पर्सन है कि ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि इनको कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इतना ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं अपना घर पैसा गाड़ी करियर में, और उसे पाने के लिए ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। दूसरा जो कार्ड है जहाँ से कि यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन पे बर्ड अटैक कर रहे हैं, तो सेम वे इस पर्सन पे बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपसे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, अटैक कर रहे हैं, मतलब हो सकता है इनके घर वाले ऐसे हों जो इन्हें बहुत ज़्यादा सुनाते हो, फ्रेंड्स ऐसे हो जो मैनिपुलेट करते हो, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनके दिमाग में कचरा भरने की कोशिश करते रहते हैं और ये उन सब का सामना करें। इस टाइम पे इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा करेजियस वॉरियर टाइप की एनर्जी चल रही है, मतलब कि इन्होंने सोच लिया है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सक्सेसफुल होना ही होना है, भले ही ये लड़की है या लड़का है जो भी है, ये इस टाइम पे अपनी लाइफ में अपने करियर में सक्सेस चाहते ही चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मुझे सक्सेसफुल हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, मेरा अच्छा करियर हो। बहुत ज़्यादा दूसरे टाइम पे और दूसरी एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं इस टाइम पे, इनकी बहुत सोरोफुल सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ में। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मून कार्ड। सो ये जो पर्सन है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको ये हमेशा दूर से ऑब्जर्व करते हैं, एक तरीके का मिररिंग इफेक्ट है, जैसे कि ये चांद में अपनी ही शक्ल देख रही है। तो ये जो पर्सन है आपके अंदर अपने आप को ही देखते हैं, अपने ही किसी रूप को देखते हैं, अपने आप को ही देखते हैं, ये आपको अपनी परछाई की तरह देखते हैं या फिर अपने बेटर हाफ की तरह देखते हैं या फिर अपने ट्विन सोल की तरह देखते हैं जो कि मिरर करें। तो जब भी ये आपको देखते हैं तो ये आपके अंदर ये अपने आप को ही देख रहे होते हैं।
जब भी ये आपको ग्रो करते हुए देखते हैं तो इनको देख के आपको देख के इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये कहीं ना कहीं आपको ही देखते रहते हैं। दूसरी बात है द एनर्जी ऑफ मून, यानी कि मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और साइकिक होती है, सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी होती है। जब भी मून फेज की बात होती है इस टाइम पे आपकी जो इंट्यूशन और साइकिक पावर्स बहुत ज़्यादा हाई होती है, सेम टाइम पे आपके अंदर का जो डर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पर्सन के जो साइकिक पावर्स हैं वो इस टाइम पे काफ़ी वर्क कर रही है। सेम टाइम पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी हैं कि पता नहीं आप इन्हें दोबारा एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और इनकी लाइफ में फाइनेंसेस भी इशू चल रहे हैं, दूसरा बहुत पेनफुल सिचुएशन भी चल रही है, तो इन्हें लगता है कि अभी जो टाइम है वो आपसे बात करने के लिए सही नहीं है। दूसरा जो कार्ड है एस्केप कार्ड है, मतलब ये जो पर्सन है किसी मुसीबतों से दूर भाग रहे हैं, मतलब कि ये हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्हें ट्रैप करती हैं, जैसे इनकी फैमिली हो गई, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन फंसे हो, मैरिड हो, उनसे दूर भाग रहे हैं, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर से दूर भाग रहे हैं, तो ये बस दूर जाना चाहते हैं, डिटैचमेंट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो कार्मिक रिलेशनशिप है या बहुत ज़्यादा इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप है उनसे ये पर्सन डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है पैशन, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनके दिल में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है, एक तरीके की न्यू एनर्जी आ जाती है। पैशन वो होता है कि हमें पैशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हमें करना बहुत अच्छा लगता है, तो ये जो पर्सन है ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं और जब भी सोचते हैं ये पैशनेट हो जाते हैं, आपको देखना, आपसे बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है इनकी इस रिलेशनशिप में। आपको ये हमेशा एम्प्रेस की तरह देखते हैं, मतलब कि एम्प्रेस यानी अनकंडीशनल लव, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनली लव करते हैं और आपको अपने से ऊपर मानते हैं। यहाँ पर जो एम्प्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान मुद्रा में है, इनका क्राउन चक्र घूम रहा है और ये साधना में है। सो आप ऐसे आपकी एनर्जी ऐसी है, आप स्पिरिचुअली काफ़ी मैच्योर हो सकते हो इस पर्सन से, आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करते हो उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी इस पर्सन को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। सो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो इस रिलेशनशिप के लिए आप मेडिटेशन करते रहो, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और जो मेरे हाथ में कार्ड आया है ये कनेक्शन है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन में आपको डिवाइन यूनियन होगी। सो आप इस पर्सन के लिए मेडिटेशन करते रहो, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ, ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली साइकिल से चल रहे हैं, रीबर्थ वाली साइकिल से चल रहे हैं। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, न्यू लव रीबर्थ, यानी कि बहुत ही नई एनर्जी के साथ वापस आएंगे, जैसे ये थे वैसे ये वापस नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा चेंज होके आपके पास वापस आएंगे। सो आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो एक कार्मिक मैरिज में हो सकता है कि फंसे हुए हो, पेरेंट्स ने फोर्स किया हो या उनको किसी चीज़ में फंसा दिया हो, या फिर आपके आप दोनों के बीच में इंटरकास्ट इशू या फिर कोई कास्ट से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, फैमिली अगेंस्ट हो आप दोनों के। सो यहाँ पे जो कार्ड आया 2022, तो हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों के लिए 2022 का जो ईयर होगा वो शादी के लिए हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए वन मंथ, ये पर्सन आपसे वन मंथ में कम्युनिकेट करेंगे, और 2022 यानी कि इन दो ईयर्स में, दिस ईयर 2021, इन दो ईयर्स में आप लोगों की शादी हो सकती है या फिर आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, कुछ तो हो सकता है। ये आपसे कहना चाहते हैं थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आपने इनके लिए जितने भी एफर्ट्स करे हैं उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू। 2019, कुछ लोगों को ये आपको ये पर्सन 2019 में मिले होंगे या फिर 2019 में आपके दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा चेंज आया होगा 2021। सो डेफिनेटली इन टू ईयर्स में, नेक्स्ट ईयर 2021 में आपकी इस पर्सन से शादी हो सकती है, रियूनियन हो सकता है, और ये जो टू इयर्स हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाएंगे दिस ईयर, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हो सकता है कि आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग 2019 से शुरू हो गई हो, या इस पर्सन की, स्पेशली इस पर्सन की अवेकनिंग 2019 से शुरू हो गई हो और टू इयर्स में आप लोगों का यूनियन होने वाला हो, 3D यूनियन और डिवाइन यूनियन होने वाला हो।
जो भी इश्यूज हैं, कार्मिक इशू हैं या फिर कुछ इश्यूज हैं एंटी रिलीजन या एंटी कास्ट, वो सब ख़त्म होंगे। और वन मंथ, विद इन अ मंथ और वन मंथ में ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन एज अ हायर मतलब मैरिड चाइल्ड और एंगेजमेंट, वो उन चीज़ों के लिए 2 ईयर्स का टाइम लगेगा। सो यदि आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो अब देखते हैं जिन्होंने पर्पल कैंडल को चुना है, उनका पर्सन की करंट फीलिंग क्या है उन्हें लेकर। सो जिन्होंने इस वाले को चुना है, उनके लिए सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है द टावर कार्ड। मीन्स आप दोनों के रिलेशन में, रिलेशनशिप में बहुत बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आए होंगे या आ रहे हैं या फ्यूचर में आने वाले हैं। आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप के बीच में बहुत बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, ऐसे चेंजेस जो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने सडनली आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया हो, आपसे दूर भागने लगे हो, हो सकता है किसी दूसरे पार्टनर को चुन लिया हो, या सडनली इस पर्सन के बिहेवियर में चेंज आया, सडन चेंज आया। सो ये जो चेंज है वो टावर मूवमेंट की तरफ से आया है। और जो टावर मूवमेंट का जो कार्ड होता है उसके, वो एक डिवाइन फोर्स होती है। मतलब एक ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हम उस चेंजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस पर्सन की लाइफ में ऐसे चेंजेस इस टाइम पे आ रहे हैं जिनके ऊपर द लेट गो, जिनके ऊपर इस पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब इस टाइम में इन्हें यूनिवर्स की तरफ से या डिवाइन पावर्स की तरफ से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में, जो जिसकी वजह से इस पर्सन की पूरी पर्सनालिटी बदल रही है। इसका आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हैं इस पर्सन के लिए। सो ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में आपको हमेशा ओपन माइंडेड रहना है। मतलब कोई भी कैसी भी सिचुएशन बन सकती है, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप जा रही है, कोई भी कैसी भी सिचुएशन बन जाएगी। तो अपने माइंड को ओपन रखिएगा और इस पर्सन की जो सिचुएशन है उसे समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, किसी मेजर फैमिली इशू में फंसे हों, फाइनेंशियल इशू में फंसे हों। तो कैसी भी स्टोरी इस पर्सन की हो सकती है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो इन्हें ओपन माइंड से एक्सेप्ट कीजिए, मतलब इनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्टॉर्म्स पे चल रही है, अप एंड डाउन इमोशनल स्टॉर्म्स हो रहे हैं, बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं जो आप दोनों के ही कंट्रोल से एकदम बाहर हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टॉर्म मुझे देखने को मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। दूसरा जो कार्ड है यहाँ पर, ये कार्ड दिखाता है कि ये पर्सन किसी बड़े सिचुएशन में फंसे हुए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग सिचुएशन है, जैसे कि यहाँ पे ये पर्सन 3 चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, प्लांट को भी, सॉर्ट्स को भी और इस की को भी जिसके ऊपर बर्ड है। सो ये पर्सन के ऊपर बर्डनसम सिचुएशन है, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में है। मतलब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर कि इनको अपने पेरेंट्स का भी करना है, अगर ये मैरिड हैं तो उनके लिए भी करना है, अगर इनका कोई चाइल्ड इनके ऊपर डिपेंडेबल है तो उनके ऊपर भी करना है, करियर भी देखना है। तो ये पर्सन इस टाइम पे बर्डन सम सिचुएशन में फंसे हुए हैं। सो बहुत ज़्यादा रीजनेबल फेयर्स भी हैं, मतलब आपको जो इस रिलेशनशिप में लेके जो डर लगता है वो डर काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल हो सकते हैं। ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ड्रास्टिक एनर्जी है इस वाली पाइल में। दूसरा जो कार्ड है द हीरोपेंट कार्ड आया, मतलब कि ये जो कनेक्शन है सोल लेवल का कनेक्शन है, ये पर्सन आपके सोलमेट्स हैं या फिर कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी चाहते हैं। ये जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब ये टावर मोमेंट जब ख़त्म होगा तब इस पर्सन को एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मिलेगी। ये जितने भी चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में, ये इन्हें स्पिरिचुअल पथ की तरफ धकेल रहे हैं। यानी कि ये पर्सन का ध्यान इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगेगा, आपकी तरफ जाने लगेगा।
और एक अवेकनिंग होने वाली है, अपनी सोल की बात सुनने वाले हैं। दूसरा जो कार्ड है द पीसफुल अमंगस्ट द थ्रोन, मतलब कि इतने सारे चेंजेस जो आप दोनों के रिलेशनशिप में आएंगे या चल रहे हैं, आने वाले हैं, इन सारे चेंजेस को लेकर आपको शांत रहना है। जैसे ये पीसफुल अमंगस्ट द थ्रोन, मतलब कांटों के बीच में भी शांत रहना है। सो आप इस रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा इनर पीस में रहेंगे, जितना ज़्यादा शांति में रहेंगे, उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इससे इन चेंजेस से आपको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक हो सकते हैं, एन्जाइटी हो सकती है, पैनिक अटैक हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपकी जो दिल की धड़कन है वो इरेगुलर हो सकती है, कभी कम हो कभी ज़्यादा हो रही है, आपको एक डर लग सकता है, बहुत ज़्यादा डर लग सकता है। सो ये सब चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स होंगे, आप दोनों को ही होंगे, आपको भी होंगे और इस पर्सन को भी होंगे। तो इन सारे सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा और ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो आपके इमोशंस को पैनिक करती है। जैसे कि कोई क्राइम शोज़ को मत देखिएगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि एक लड़के ने लड़की को धोखा दिया या लड़की ने धोखा दिया, तो ऐसी मूवीज़, ऐसे ड्रामेटिक सीरियल्स, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, अदरवाइज़ जो आपकी इमोशनल सिचुएशन है वो ख़राब हो जाएगी। दूसरा जो कार्ड है द एम्परर एनर्जी, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे लेकिन एक एम्परर वाली एनर्जी के साथ वापस आएंगे, मतलब स्टेबल होकर वापस आएंगे ये, मतलब ऐसा टेम्परेरी स्टेज में नहीं आना चाहते हैं आपके पास, ये स्टेबिलिटी के साथ आपके पास वापस आना चाहते हैं। जब भी आए स्टेबिलिटी के साथ ही आपके पास वापस आए, वरना ना आए। सो ऐसे इनकी एनर्जी है और ये जो पर्सन है इस टाइम पर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है द सोलमेट कनेक्शन, आपके लिए ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था सोलमेट कनेक्शन, ये पर्सन आपसे अनकंडीशनली बहुत ज़्यादा लव करते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस हैं आपको लेकर। बेस्ट फ्रेंड कार्ड, तो ये पर्सन आपके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं या फिर आपको एक बेस्ट फ्रेंड की तरह देखते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ कार्मिक सिचुएशंस में ये पर्सन फंसे हुए हैं। आई कॉन्ट लिव विदाउट यू, तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इन ये खुद एक तरीके के बर्डन में फंसे हुए हैं और ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो इनके कंट्रोल से बाहर है। दूसरा कार्ड भी है ट्विन फ्लेम या सोलमेट, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन है, और इस टाइम पर ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। कम्प्लीशन मतलब कि बहुत सारी साइकिल्स हैं जो कम्प्लीट होने वाली हैं, कार्मिक साइकिल्स कम्प्लीट होने वाली हैं, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा विचलित हैं, आप विचलित हैं, ये पर्सन विचलित हैं। लेट्स हैव अ सेक्स, सो इस पर्सन की बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फैंटेसीज़ भी है आपको लेकर, आपको डेट करना चाहते हैं। एंड आई एम सॉरी, तो ये आपसे कहना चाहते हैं, ये अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है और ये आपको सॉरी बोल रहे हैं। एक लास्ट कार्ड और निकाल लेती हूँ। फ्रेंडशिप इज़ अ रेनबो बिटवीन टू हार्ट्स, सो डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आप दोनों के बीच में एज अ प्लेटोनिक फ्रेंडशिप है, सोल लेवल से आप लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सो इस ये जो पर्सन है इनकी करंट फीलिंग यही है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक तरीके का स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन जो चेंजेस आने वाले हैं वो आप दोनों के ही कंट्रोल से बाहर हैं। तो शांत रहिएगा, जितना हो सके उतना शांत रहिए, मेडिटेट कीजिए और जो मैंने एडवाइस की है उस पर फोकस कीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जो प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब देखते हैं जिन्होंने ऑरेंज वाली कैंडल को चुना है आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे आपको लेकर। सो जो पहला जो कार्ड आया है वो है अलोन इन द वर्ल्ड, ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अकेलापन, एक तरीके की एम्प्टीनेस फील होती है आपके बिना, ये अंदर से आपका वेट करते रहते हैं, भले ही ये बाहर से कुछ भी दिखाएं कि आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन ये अंदर से आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। और इस टाइम पे ये जो पर्सन है वो एक ट्रांजिशन फेज पे चल रहे हैं, मतलब इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कुछ चीज़ें बिगिन हो रही हैं, तो एक जो बीच वाला टाइम होता है
पॉज इनर्शिया ट्रांजिशन फेस ये उसके अंदर ये पर्सन चल रहे हैं. आस्क फॉर एंजल्स. सो ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेयर्स और मेडिटेशन कर रहे हैं. इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर. इनका माइंड एकदम सवालों से भरा हुआ है और बहुत ही गहरा अकेलापन भी है और बहुत ज़्यादा सवाल हैं आपके इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा. दूसरी जो एनर्जी है ये पर्सन एट ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड रहे हैं. मतलब आपने इस पर्सन को बताने की, समझाने की बहुत कोशिश करी है लेकिन ये एकदम ब्लाइंड फोल्डेड रहे हैं. मतलब दूसरों के कहने पर चलने वाले लोग, ये अपने फ्रेंड्स के मैनिपुलेशन में, अपने फैमिली के मैनिपुलेशन में चले हैं. इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी है और इस टाइम पर ये फंस चुके हैं, ये एकदम ट्रैपिंग सिचुएशन में है. नंबर फोर्थ भी यही दिखाता है कि ये पर्सन एकदम फंस चुके हैं. इमोशनली एक कोडिपेंडेंसी चल रही है इस पैटर्न के अंदर कि ये बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट रहते हैं दूसरों को लेकर, अटैचमेंट रहती है और दूसरों को एकदम चेस करते रहते हैं. स्पेशली ये उन लोगों को ज़्यादा चाहते हैं जो इन्हें यूज़ करें, जो इन्हें मैनिपुलेट करें. ये उन लोगों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, जबकि आपसे जो इन्हें गाइडेंस और अनकंडीशनल लव मिलता है तो ये आपसे दूर भागते हैं और उन लोगों को ज़्यादा चेस करते हैं जो इन्हें मैनिपुलेट करें, यूज़ करें. ऐसी एनर्जी है इनकी और इन सब कर्मों की वजह से इस टाइम पे ये पर्सन फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं. दूसरा जो कार्ड है आपको लेके, इनके दिल में जो फीलिंग है वो एम्प्रेस एनर्जी वाली है, यानी कि आपसे ये अनकंडीशनली लव करते हैं, आपको एज अ मैरिज पार्टनर देखते हैं, एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं, एज अ हस्बैंड या फिर एज अ वाइफ देखते हैं, जिनके साथ ही शादी करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते हैं. लेकिन द स्ट्रेंथ कार्ड, इस पर्सन के अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी विल पावर, करेज नहीं है कि वो अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकाले. इस पर्सन को टाइम चाहिए. इस टाइम पे ये अपनी ही चीज़ों में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं क्योंकि इनकी एनर्जी, इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा एडिक्शंस हो सकती हैं, कोई किसी तरीके की कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन, नार्सिज्म, ये सब चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये हमेशा उन्हीं लोगों को ज़्यादा चुनते हैं जो इनकी तरफ, जो इनको यूज़ करें, मैनिपुलेट करें. और इस टाइम पे ये स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, धीरे धीरे इस पर्सन में स्ट्रेंथ आ रही है कि वो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाले और आपकी तरफ आने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए इन्हें बहुत ज़्यादा. द इंगेजमेंट कार्ड, सो ये आपके पास आना चाहते हैं और आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक इमोशनल कमिटमेंट देना चाहते हैं. हो सकता है ये पर्सन आपके पास वापस आए एक रिंग के साथ कि आपको एक रिंग देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं. तो इस पर्सन के दिल में इस टाइम पे आपको लेके एज अ मैरिज, आपसे शादी करने की फीलिंग्स चल रही है इस टाइम पे. ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू. सो ये आपको वापस चाहने के लिए, अपनी ज़िंदगी में वापस आपको बुलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है. 2020 यानी कि हो सकता है ये पर्सन इसी साल 2020 में आपके पास वापस आ जाएं और आप दोनों की एंगेजमेंट हो जाए और आप दोनों की शादी हो सकती है. लव प्लस अरेंज मैरिज, मतलब आपकी इस पर्सन के साथ लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों हो सकती हैं. सोलमेट कनेक्शन, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं. कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ, इसी मंथ में या फिर विद इन अ 1 or 2 months में आपकी इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो जाएगी. कार्मिक मैरिज, हो सकता है ये पर्सन किसी कार्मिक मैरिज के अंदर फंसे हुए हों, जिसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों. और कुछ लोगों के लिए 2023, तो कुछ लोगों के लिए आपकी शादी 2023 में होगी या विद इन अ 3 years में आपके इनसे शादी हो सकती है या फिर बेबी हो सकता है. क्योंकि अगर ये पर्सन किसी कार्मिक मैरिज में फंसे हुए हैं तो आपकी शादी 2023 में होगी. अगर नहीं फंसे हुए तो इसी साल इस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है. थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये पर्सन आपसे थैंक यू कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपने इनके लिए किया है उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू. एंड आई फील अलोन विदाउट यू, जैसे कि मैंने पहले कहा था ये आपके बिना बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं. यू आर माई वर्ल्ड, तुम मेरी दुनिया हो. एंड लेट गो आउट एंड डेट मी, सो ये आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं कहीं बाहर रेस्टोरेंट में,
घुमाने फिराने ले जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक मंथ में या फिर इसी साल आपका इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होगा। ड्रीम्स मैनिफेस्ट देम एंड मेक देम रियल, तो आप इनके एक सपने की तरह और ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सो इस पर्सन के साथ आपकी जो मैरिज है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइन हो सकती है, डिवाइन यूनियन होगी आपकी इस पर्सन के साथ। सो आप इस पर्सन का वेट कर सकते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन स्ट्रेंथ गेन करेगी। कुछ लोगों के लिए इसी मंथ या विद इन अ वन और टू इसी ईयर में आपकी इनके साथ शादी होगी, कम्युनिकेशन होगा। और जो लोग कार्मिक मैरिज में फंसे हुए हैं, अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं, तो इनको 2023 यानी कि 2 या 3 साल का टाइम लगेगा उस शादी से बाहर निकल के आपके पास वापस आने के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।